बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दम भरने वाली खट्टर सरकार के राज्य में अस्पताल आने वाले मरीजों पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, इसका उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती अपने परिजन का हाल पूछने आए एक महिला के सिर पर पंखा गिर गया और वह बुरी तरह घायल हो गई। घटना के तुरंत बाद डॉक्टर मरीज के इलाज में जुट गए। घटना रेवाड़ी के सरकारी ट्रॉमा सेंटर की है। घटना की सूचना मिलते ही सीएमओ भी मौके पर आ गई। आपको बता दें कि वार्ड में लगा पंखा पिछले कई दिनों से हिल रहा था, जिसे लेकर वहां भर्ती मरीज कई बार स्वास्थ्य अधिकारियों को अवगत भी करवा चुके थे। इस मामले में सीएमओ का कहना है कि ट्रॉमा सेंटर में बिजली का ठेका दिया हुआ है, उन्होंने ठेकेदार का लाइसेंस रद्द करने के आदेश दिए हैं। वहीं संबंधित दोषी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रेवाड़ी से जाट टीवी न्यूज के लिए अजय अत्रे की रिपोर्ट। मैं तो बैठी हुई थी ससुर के साथ, ऊपर से गिर गया बैठी थी। अच्छा, यहाँ ट्रॉमा सेंटर में पंखा गिर गया ऊपर से, तो आप यहाँ क्या करने आए थे? मेरे ससुर बीमार है। अच्छा अच्छा, और भी किसी को चोट लगी है? मेरे को नहीं पता, मेरे तो लग ये मैंने खुद ट्रॉमा सेंटर में जाके देखा है। एक पेशेंट गोविंद राम हमारे यहाँ पर एडमिट है, उसकी पुत्र वधू रेखा देवी को चोट आई है जो उसको देखने के लिए आई थी। इसमें हमने आउटसोर्सिंग के तहत इलेक्ट्रिकल का ठेका ठेकेदार को दिया हुआ है दीपक नाम से, और जो भी इसमें यही लगाया कि दोषी जो है वो ठेकेदार है या जो वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा है वो है, और जो भी इसका बनेगा वो हम उसके प्रति सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, ये ट्रामा सेंटर है, इसमें अति सीरियस पेशेंट एडमिट हो, तो इस तरह की सर लापरवाही से तो अभी ये बड़ा हादसा होते होते बचा है, तो अभी क्या कार्रवाई करेंगे आप? इसमें हम जो ठेकेदार है उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करेंगे तथा जो कर्मचारी है उसको भी इनकी नौकरी से बर्खास्त करेंगे, और जो कंपनसेशन बनेगा वो।